बेटी की खुशी ऑलरेडी नजर आ रही है जिस हिसाब से रोल करते हुए आप लेकर आए हैं। बिल्कुल, उसी हिसाब की आपकी जर्नी रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मजा आया जर्नी में, इतनी ज्यादा मजेदार रही है कि मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि अगले साल फिर ले चलो यार, फ्री में ले चलो मुझे, पर ले चलो। आपको लगता है कि अगर आसिम रिया के शो में बने होते तो आज आपकी जगह पे वो विनर होते? हाँ, हो सकता था यार, वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट उसकी बेवकूफ़ी और मेरी अच्छी किस्मत कि मैं यहाँ हूँ। आप सिर्फ आसिम को अपना कंपटीशन मानते हैं क्योंकि गश्मीर को सभी लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन समझा था और सबने यू नो उनको डाला था स्टंट करने के लिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, क्या कहना चाहूंगा? सिर्फ आसिम और कश्मीर ही नहीं, हर कोई, आई थिंक, मैं जब पहले आपको इंटरव्यू देके गया था तो मैंने बोला था मैं ही जीतूंगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और जब सबकी तैयारी देखी मैंने तब मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था क्योंकि सब यही सोच के आए थे कि सब इसको लेके जाएंगे घर, एंड एवरीबडी वॉज वेरी फोकस्ड। ये बैच ही कुछ ऐसा था जो सोच के आया था कि भाई कुछ ये नहीं करेंगे कि हाँ आ गए जहाँ तक ठीक है कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, घूम लेंगे, रोमेनिया, ये सब कोई करने नहीं आया था, सब इसको लेने आए थे, एंड दे वर ऑल वेरी फोकस्ड एंड रेडी एंड ट्रेंड। मैं ये कहूंगा वेल आप एक अंडरडॉग प्लेयर निकले, हंस हंस कर यू नो हंसी मजाक करते करते ट्रॉफी तक लेकर आ गए आप यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? आपको ऐसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया या नहीं दिया? नाइस जोक ना। हो सकता है यार सबको, मैं बाकी जो मेरे कॉम्पिटिशन था ना उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो बोल दूं सारे कैमरा में बोलूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, रेडी दी गई। सो दैट्स माई आंसर टू एवरीबडी, बट अगेन हैविंग सेड दैट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर कोई डिजर्व करता था इसको, बिकॉज हर कोई किसी ना किसी चीज़ में बहुत स्ट्रांग था, चाहे वो करंट हो या अंडर वाटर हो या हाइट हो। तो मेरी ऐसी किस्मत थी कि जब मेरा स्टंट आया और जो मेरे सामने था मैं उसमें ज़्यादा अच्छा था और सामने वाला वीक था, तो मैं आगे बढ़ता चला गया, जैसा कि आपने बोला हंसी मजाक में। ऑल्सो यू नो कृष्णा मुखर्जी के, कृष्णा की, सॉरी कृष्णा की अगर मैं बात करूं, पहले एलिमिनेट हुई और फिर जब वो कमबैक की उन्होंने बहुत अलग ही लेवल का कमबैक था। यस यस, व्हाट यू हैव टू से, क्या आपने सोचा था कि इस तरह से वो आएगी और इतना कैपेबिलिटी होगी उनमें? सोचा तो पहले से था बिकॉज़ आई हैड सीन हर वीडियोस एंड एवरीथिंग दैट शी इज वेरी स्ट्रांग, बट हां करंट नहीं ले पाई वो, जैसा कि मैं भी नहीं ले पाया। अगेन वही बात थी ना कि किस टाइम पे कौन सा स्टंट तुम्हारे सामने आता है, वॉज द लक फैक्टर, सो दैट्स द ओनली गेम दैट आई प्लेड एंड आई, मतलब वो लकीली आ गया, अगर कृष्णा को आता शायद वो जीत जाती। सॉरी, बिल्कुल आपकी दुआएं सब काम कर गई साथ में। लक फैक्टर तो अभिषेक के साथ सबसे ज्यादा था, बट टॉप 5 तक का ही उनका सफर रहा, क्या कहना? हाँ तो उनका टॉप 5 तक का लग था ना, शायद मेरा आगे तक का था पूरा। उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई थी। आपको सच में लगता है लग फैक्टर था और उन्होंने यू नो अपनी कैपेबिलिटी नहीं बताई? नहीं नहीं, मेहनती भी बहुत है, उसने बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा कोई भी नहीं आया था जो सोच के आया कि चल घूम लेते हैं आज कल स्टंटे देखेंगे क्या होगा, देयर वाज नोबडी। अगर अगले दिन स्टंट है तो जल्दी सोना, जिम जाना, सोना, स्विमिंग, रिलैक्स होके अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड थे सब, कोई भी ऐसा नहीं था कि अरे रात तक पार्टी कर रहा है सुबह देखेंगे कितने बजे उठना है, नोबडी हैड दैट एटीट्यूड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीबडी वाज इक्वली अ कंटेस्टेंट फॉर दिस, कि कोई भी लिस्ट था। सारे कंटेस्टेंट्स थे आपके साथ, आपको क्या लगा बिग बॉस मटेरियल कौन था उसमें से? आधे तो बिग बॉस के ही थे सारे। और जो नहीं थे उनमें से कौन लगा? जो नहीं थे वो सारे बिग बॉस मटेरियल ही है मुझे लग रहा है। अच्छा वो वाली बात, हाँ वो तो मुझे लगा फिर गैलेक्सी वाली बात आ जाएगी। हाँ सुना तो थी कहानी गैलेक्सी वाली यार, अब तो क्या सुनना चाहता, क्या पी के गुस्सा था मैं अंदर। आप अपने आप को बिग बॉस मटेरियल कितना समझते हैं? देखो हाथ लगाओ, ये मटेरियल, ये गुड बॉय मटेरियल है, ये बिग बॉय मटेरियल नहीं है। सर रोमानिया से ट्रॉफी के अलावा क्या कुछ नहीं याद लिखा है? रोमानिया से बहुत सारे दोस्त बनाए हैं यार वहाँ पे, स्टंट टीम में, मेकअप टीम में, और जो जनरल क्रू था उनका, सब बहुत ही ज़्यादा इंडियन टाइप ही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खुलने मिलने वाले, तमीज़ वाले, ये खाओ ये पियो सब ने अपनी, मेरे एक फिजियो थी वहाँ पे एंट्रिया, उससे तो मैं अभी भी टच में हूँ, वो अपनी बेटी की फ़ोटोज़ भेजती रहती है कि वो ये कर रही है, हॉर्स राइडिंग सीख रही है, शी इज़ ऑल्सो वन खतरों का खिलाड़ी, तो यू नो तो ये सब बहुत सारे अच्छे दोस्त बने हैं वहाँ पर। रोहित सर की बात करूँ तो उनसे क्या कुछ सीख कर आए? उनसे सब कुछ ही उनसे सीखा है मैंने, एक तो काम में इंसान वो 20 में से 20 हैं, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इंसान वो 20 में से 22 हैं, तो वो बनना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप अच्छे लुकर, अच्छे बॉडी, अच्छे एक्टर,
अच्छे खतरों के खिलाड़ी, अच्छे बिग बॉस कंट, सब कुछ बन सकते हो, अच्छे इंसान बनना बड़ा डिफिकल्ट है. तो वो मैंने उनसे सीखी है चीज़. एंड आई थिंक एपिटोम ऑफ ग्रेस, पेशेंस उनके अंदर इतनी ज़्यादा है, और बिहेवियर, छोटे बड़े से बात करने की तमीज़, चाहे वो स्पॉट बॉय हो सेट पे या डायरेक्टर्स हो, बहुत प्यार से रहते हैं सबके साथ. शालिन को एक्सपेक्ट किया हाँ ऑफ कोर्स यार, इतना देखा है उसका डोला, उसके डोले का साइज, उसके डोले का साइज और मेरा थाई सेम है. सोचो मैं उसको ऐसे टच करके बोलता था, अरे सेम हो गया यार. तो ऑफ कोर्स शालीन को एक्सपेक्ट किया था, कश्मीर को एक्सपेक्ट किया था, एंड इवन 12 में से कोई भी आ सकता था टॉप 5 में. करण ने आपने कहा कि आपको हर साल बिग बॉस से ऑफर आता है, बट क्या वो वजह है जो हर बार आप मना कर देते हो? पता नहीं मैं क्यों डर जाता हूँ, पता नहीं मैं क्यों डर जाता हूँ. मेरे को फ़ोन चाहिए मेरा अंदर. उनको मैंने बोला मेरा फ़ोन दे दो तो मैं चले जाऊँगा अंदर, क्योंकि मैं हम दोनों के रहते हैं घर पे, मैं और मेरी तन्हाई, ठीक है, हमें आदत है, तो स्पेस की आदत हो गई है मुझे. और मेरी सारी फैमिली ना बहुत स्कैटर्ड है. मेरी मॉम दिल्ली में अकेले हैं, मेरी बहन कैनेडा में अकेले है, मेरा ब्रदर इन लॉ अबू धाबी में अकेले हैं, उनकी मदर गुड़गांव में अकेले हैं, लेकिन हम सब फेस टाइम पर लंच और डिनर साथ में करते हैं, तो वैसे कनेक्टेड हैं हम. तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करूंगा ना, इसलिए मेरे को बोल रहा हूँ कि मेरे को फोन दे दो अंदर, ताकि मैं अपना कनेक्टेड रहूँ, बाकी जो मर्जी करते रहे. यस, आप विश कर रहे हो ना. चलो करण, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपका लुक चेंज हुआ है, व्हाट इज द रीजन, क्या कुछ आ रहा है, व्हाट इज इन पाइपलाइन? अरे एक तो मैंने विश मांगी थी ना, ट्रॉफी आते ही उड़ा दूंगा 5 साल. तो एक आने वाला है गाना गाइज मेरा, प्लीज़ आप उसको प्यार देना थोड़ा. इट्स कॉल्ड कहना गलत गलत, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना है. क्या कहते हैं, ज्योति नूरान जी ने गाया है फिर से, और मेरे साथ सना मकबूल है, आपकी फेवरेट. तो कल पोस्टर लॉन्च है उसका, सो प्लीज़ गिव इट योर ऑल, उसको भी थोड़ा सा गर्म कर देना. आप लोगों के साथ आपका सॉन्ग आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने शूट कर लिया है. जी 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 जी. उनके साथ क्या बिग बॉस जीतने के बाद कुछ भी चीजें उन्होंने शेयर की आपके साथ? हाँ, और कुछ टिप्स शेयर किया? टिप्स मैंने शेयर करी ना खतरों जीतने के बाद. ये क्यों नहीं पूछ रहे आप, आपने उसको क्या टिप दी है? हाँ, मैंने उसको ये बताया क्यों नहीं जीती तू, ये करती तो जीतती. तो ये चल रहा था हमारा. पर आपने लिए बिग बॉस के लिए टिप्स? मैंने टिप्स तो लिए सारे. कैसे गई मुझे पता नहीं, कैसे जीत गई मैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे जीत गया मैं. सारे जीतने वाले सब छुपा के रखते हैं अपने वो ट्रेट्स. थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी.